वेलकम टू माय चैनल। जेई आरआरबी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट्स का इस चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो स्टेजेस हैं इस एग्ज़ाम में। सीबीटी 1 में को क्रॉस करने के बाद ही सीबीटी 2 को देने का मौका मिलेगा, लेकिन सीबीटी 2 की तैयारी के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए सीबीटी 2 से ही सिलेक्शन होना है एक्चुअली। तो सीबीटी 2 की तैयारी भी अभी से करना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि उस समय जो तैयारी करेंगे उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो अभी से पूरी तैयारी करके चलेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और ये एक जेई आरआरबी की वैकेंसी है जो अपने आप में बहुत ही अच्छी एक पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है और जेई है, लेकिन इसका प्रमोशन आगे चल के बहुत आगे तक जाता है, इसलिए इसको कम करके नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है रेलवे की, और भी कई सारी फैसिलिटीज़ पे रहती ही रहती हैं। तो हम टू दी पॉइंट की बात करते हैं, जैसा कि चैनल का नाम ही है कि सीधे फोकस्ड हम तैयारी कराएंगे। और इसमें जो हमारा जो हमने सिलेबस जो चूज़ किया है, एक्चुअली अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग का सिलेबस ले रहे हैं, आगे हम इलेक्ट्रिकल का भी करेंगे। तो वन बाई वन की तैयारी की, पूरा सिलेबस हमने लिया हुआ है। तो इसमें कई सारे 1 to 10 पार्ट हैं इस सिलेबस में, और सारे सिलेबस को पूरा करेंगे हम। और इसमें कोई इस तरह के फालतू का नहीं होगा कि टाइम कंज्यूमिंग मैटर डाला जाए कि सिर्फ टाइम कैसे कंज्यूम किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा कि जिससे कि टाइम आवर्स बढ़े, तो ऐसा कोई हमारा प्रयास नहीं होगा। सीधे सीधे हम सीधे सिलेबस पूरा करेंगे। और इसको पढ़ने के बाद पिछले जितने क्वेश्चन आए हुए हैं या जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से शायद ही कोई क्वेश्चन छूट पाएगा आपसे, ये 100% मेरी गारंटी है। तो इस सिलेबस में से सबसे पहला जो जहाँ तक हमने देखा है यूट्यूब में सर्च किया है कि इसमें किस तरह के मटेरियल मौजूद हैं यूट्यूब के अंदर, तो ज़्यादातर मैंने यही देखा कि उसमें बस सीधे ऑनलाइन क्लासेस हैं, और उसमें सीधे पहले तो 10 मिनट तो यही हो रहा था कि किस तरह से इंगेज करा जाए हम और भी, और सीधे से मतलब सीधे फोकस तैयारी की बात बहुत ही न के बराबर ही है। और इसमें जो सबसे टफ जो माना जा रहा है, जिसमें नहीं है मटेरियल लगभग, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो मैं स्टार्टिंग ही यहीं से कर रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को विश्वास हो जाए कि नहीं मटेरियल अच्छा ही मिलेगा इसमें। ये मेरा अभी बहुत ही स्टार्टिंग का चैनल है, इसमें व्यूज़ नहीं है, सब्सक्राइबर भी न के बराबर ही है एक तरह समझ लिए, मतलब ऐसा, लेकिन ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि छोटा चैनल है तो कुछ इसमें दम नहीं होगा, दम तो बहुत ही होगा जितना आप इमेजिन नहीं करोगे। तो बस ये है, आप लोगों को अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो इसको, क्योंकि चैनल को ग्रो करना भी ज़रूरी है, इसके लिए सब्सक्राइबर ज़्यादा होने चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही मेरे एडवर्टीजमेंट के एक मीडियम हो, और कोई नहीं है, और कहाँ करने जाऊँगा। तो सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जो लोग देख रहे हैं, कि अगर ज़रा सा भी आपको लगे कि नहीं ये है अच्छा है चैनल, कुछ इसमें है, तो इसको शेयर सब्सक्राइब और लाइक कमेंट वगैरह जो भी कहा जाता है वो करते रहिए, जिससे एक न एक दिन आपके जेई बनते बनते हमारा चैनल भी, मतलब आपका चैनल भी ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर क्या कराएंगे तो आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें, जो पिछले में दिया हुआ है सिलेबस, वही सिलेबस हमने यहाँ लिख दिया है, सिलेबस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। पहला है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, फिर 8085 माइक्रो प्रोसेसर वर्किंग, असेंबली लैंग्वेज वर्किंग, और पेरिफेरल्स एंड अदर माइक्रो प्रोसेसर, और आखिरी में है माइक्रो कंट्रोलर। मतलब इन शॉर्ट ये 2 लाइन का सिलेबस है, सिर्फ 2 लाइन का सिलेबस है, लेकिन 2 लाइन के सिलेबस ने में इसने बहुत कुछ इसमें एकदम ये नहीं कहा जा रहा था, एकदम गागर में सागर की तरह इसने भर दिया है। तो पूछ तो कुछ भी सकता है, भले ही से ही ये कठिन से कठिन पूछ सकता है, छोटा मतलब पूछ तक सकता है पूरा। बीटेक का जो सीएस में सेकंड ईयर का सिलेबस होता है, या ईसी का पूरा सिलेबस तो नहीं, लेकिन तब भी 75 सिलेबस ये पूरा कवर कर रहा है ये,
एक तरह से देखा जाए बहुत ही छोटे में लिख दिया है, डिटेल में लिखा है लेकिन है सब कुछ इसमें, इसने कह दिया सब कुछ। अभी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों का जो जे की वैकेंसी है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड जो ब्रांचेज हैं वो क्या क्या कह रही हैं, एलिजिबल ब्रांचेज में कौन कौन सी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर तो यही है। बहुत इसी के लिए गवर्नमेंट जॉब तो आती है लेकिन ये बहुत ही क्या करते हैं उसको, कई सालों के बाद निकली है, 2019 के बाद जब भी वैकेंसी निकली है आरआरबी जेई की, तो इसको ग्रैब करना ही है, ये सोच कर तैयारी करिए अभी से और हम आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे। तो इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस है उसमें कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांचेस एलिजिबल हैं। सबसे पहला दिया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल दिया हुआ है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया हुआ है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। अब देख रहे हैं इसमें इसी के साथ इन्होंने कंप्यूटर को भी पूरा का पूरा एकदम प्लेसिंग कर दी है, ठीक है। और साथ में जो आखिरी लाइन लिखा हुआ है कि प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम्स ऑफ दीज, इनमें से जो दिया हुआ है इनकी जो सब स्ट्रीम है उनके कॉम्बिनेशन भी इसमें अलाउड हैं। तो सिलेबस तो यही रहेगा, ये जो दिखा हुआ पहले जो दिया हुआ वही सिलेबस रहेगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है तो ब्रांचेस कौन कौन सी आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ब्रांचेस बहुत ही कम जगह पर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पॉपुलर ब्रांचेस हैं वो है CSE ECE EN EN भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि EN में क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, तो जो कम्बिनेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ ही रहा है इसमें। अब आखिरी में क्या है AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की सब, ये देखा ना सब स्ट्रीम है ये, तो उससे मिलकर बना है। डेटा साइंस बीटेक की ब्रांच है, तो एक तरह से कहा जाए कि ईसी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी प्लस सीएस वाले जितने भी ब्रांचेज हैं वो सारे एलिजिबल हैं। और दूसरा जब आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे और उसमें देख रहे होंगे कहाँ कहाँ क्या वैकेंसी है उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो कई सारे आप लोग पता ही होगा बहुत सारे चैनल बता भी रहे हैं, ये मेरा मतलब इसमें मेरा फोकस नहीं है कि मैकेनिकल की ब्रांच है मैकेनिकल की उसमें दिया हुआ है लेकिन एलिजिबिलिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स भी वहाँ पर अप्लीकेबल है। इस तरह से आप लोग ध्यान से भरिए कोई भी जोन सबसे सेलेक्ट करके, और वहाँ पर वैकेंसी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की ही नहीं मानी जाएगी, तो उसमें वहाँ पर भी आप एलिजिबल हैं और सीटें अपने आप बढ़ जा रही हैं उसके बाद। और जो पूछा जाएगा CVT 2 में टेक्निकल जो क्वेश्चन है वो आपके इसी सिलेबस से पूछे जाएंगे मैकेनिकल का होने के बावजूद, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग, तो उसके कारण। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो वैकेंसीज हैं इस सेक्शन के अंदर वो सिर्फ AI इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग का ही नहीं है, अदर ब्रांचेस में भी अवेलेबल है, तो वो सब सीटें जोड़ी जाएँ तो बहुत ज़्यादा निकलेंगी, तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है लेकिन इतनी भी नहीं है कि जितने स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे उन सबको हो ही जाएगा, ठीक है। तो फोकस तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है, जो तैयारी करेगा अभी आज के दिन से, क्योंकि CVT 2 के लिए 1 या 1.5 महीना मिलता है टाइम जनरली, और अभी अगस्त है, CVT 1 ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक तो होगा ही नहीं, दिसंबर ही मान के चलें, और दिसंबर में हो भी जाता है रिजल्ट आते आते CVT 2 फरवरी या मार्च में, तो हमको तैयारी क्या मार्च या फरवरी को देखकर करनी है कि CVT 2 हमको देना ही देना है। तो वहाँ पर जब CVT 2 देना पड़े तो हमको एक सिलेक्शन मेरा हो ही, मेरे लिए एक सिलेक्शन का सर्टिफिकेट आ ही जाए हाथ में, घर में इसी साल 2025 तक एक नौकरी लेनी है JEE RRB में। ओके चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप इस चैनल को कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो पूरा देखने के बाद कर दीजिए अगर विश्वास नहीं आ रहा अभी भी ये क्या है, ठीक है। आप शुरू करते हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर का सिलेबस, उसको डीप स्टडी करते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या आएगा, इंट्रोडक्शन माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन क्या, इंट्रोडक्शन में क्या क्या आ सकता है, अब माइक्रो प्रोसेसर कब इन्वेंट हुआ था, उसके माइक्रो प्रोसेसर जब नहीं था उसके पहले क्या था, कैसे कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड ऑलरेडी इंक्लूडेड, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, है ना। CS ब्रांच के सेकंड ईयर जो सिलेबस रहता है वो भी इसी तरह की हेडिंग रहती है यूनिट फर्स्ट में, और उसके बाद इस यूनिट के अंदर 3-4 लाइन लिखी होती हैं, तो वही सब इसमें अपने आप है, वो हेडिंग इसे ले लिया है बस,
था, हर यूनिट की इसने हेडिंग ली हुई है। तो हेडिंग लेने से का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर के जो भी सब पार्ट है वो अपने आप इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। तो हिस्ट्री रहेगी, उसके बेसिक्स रहेंगे, माइक्रोप्रोसेसर के बेसिक क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या उसके जो टर्म्स हैं वो सब रहेंगे, और इवोल्यूशन उसका विकास कैसे हुआ, माइक्रोप्रोसेसर का सबसे पहला कब आया, उसके पहले क्या था, फिर करते करते अभी क्या स्थिति क्या है, ये सब पूरा इंक्लूड होगा इसमें। 8085 माइक्रोप्रोसेसर एंड वर्किंग। सेकेंड आता है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे 8085 जो जनरली पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 8085 और 8086 पढ़ाया जाता है। तो इसमें 8085 से ले लिया है, 8086 भी आएगा, इसमें आखिरी में दिया हुआ है। तो उसमें क्या आएगा, पिन डायग्राम, ठीक है, आर्किटेक्चर और डिफरेंट साइकिल डायग्राम, ये तो हमने मेन फोकस पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बाकी इसमें 8085 में भी बहुत कुछ है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसका 3-4 वीडियो में इसको पूरा कर दिया जाए, पूरे सिलेबस को। नहीं तो जैसा भी होगा, आप लोग जैसा छोड़ोगे उसके अनुसार लाइव क्लासेस भी कर देंगे हम। और थर्ड है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। अब देखो ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एक लाइन लिख दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर हो गया ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ना। तो ये इसमें कोई पार्ट नहीं है सीधे, मतलब प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग इसको पूरा ही है। तो ये भी कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा कर दिया जाए, अगर आप लोग साथ देंगे तो। आखिरी है, चौथा है पेरीफेरल्स एंड अदर माइक्रो प्रोसेसर्स। अदर माइक्रो प्रोसेसर देखो लिख दिया है, अदर माइक्रो प्रोसेसर में क्या आ गया, मेनली 8086 तो आ ही जाएगा, 8086 ही आएगा और नहीं लेगा, क्योंकि उसका स्कोप मुझे पता है बीटेक के लेवल का ही करेगा, 8086 ही रहेगा इसमें। तो 8086 का बेसिक भी कर देंगे हम। और पेरीफेरल्स, अब पेरीफेरल्स कितने होते हैं, बहुत होते हैं, फिर भी जो इम्पोर्टेंट वो हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे 8255 में, जिसको PPI बोलते हैं, प्रोग्रामेबल पेरीफेरल इंटरफेस। उसके बाद है 8253, 8254 टाइमर IC है, फिर क्या है 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर है, और 837 DMA कंट्रोलर है। तो इन सब को जो इसके मेन पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, मेन ही डिस्कस हो पाएगा और जो आपके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 100% आप कर पाओगे, ठीक है। बहुत ही कंसाइज बनेगा ये वीडियो, मतलब एक तरह से गागर में सागर की तरह बनेगा, तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब आखिरी आता है माइक्रो कंट्रोलर। देखो इन्होंने माइक्रो कंट्रोलर भी दे दिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरह से सिलेबस है, अपने आप में इसका अपना सिलेबस पढ़ाया जाता है इसी ब्रांच में अलग से, लेकिन यहाँ पर पूरा तो नहीं होगा। इतना तो तय है कि माइक्रो कंट्रोलर लिखने मात्र से सब कुछ नहीं माना जाएगा, इसमें हम क्या क्या मान सकते हैं, हम क्या क्या आ सकता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर बेसिक है, उसी को इंक्लूड करेगा, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह किस तरह से वर्किंग करता है, जनरल व्यू ही इसमें माना जाएगा, यही आएगा ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर, अबाउट माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो डेफिनेशन है, इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या हुआ, इसमें डायोड हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, रेजिस्टेंस हैं और कैपेसिटर्स, ये सारे सेमीकंडक्टर से ही बने हुए होंगे। तो ये एक्चुअली पहले क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। लेकिन नॉर्मल ICs और माइक्रो प्रोसेसर IC में क्या डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस है वो आगे बता रहे हैं कि क्या और डिफरेंस है जो कि नॉर्मल ICs में नहीं होते। जो नॉर्मल ICs होती हैं वो स्पेसिफिक टास्क कर सकती हैं, सिंपल एक सेटअप जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करेंगी, जैसे कि एंड गेट की IC होगी, नैंड गेट की IC हो गई, तो उसमें जो एंड गेट के जो ट्रुथ टेबल है उसको वेरीफाई हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर है ये, मतलब प्रोसेसिंग भी करेगा। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और सेकंड क्या है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें हम एक प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते कि हम एक प्रोग्रामिंग कर देंगे, नहीं, उस माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से हम, उस माइक्रो प्रोसेसर की जो IC है उसकी हेल्प से हम कई सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिंगल प्रोग्रामिंग ही है तो वो एम्बेडेड सिस्टम में चला जाएगा, डेडिकेटेड हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो एक एक वर्ड पर एक एक क्वेश्चन बनेगा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नोट्स में लिख लीजिए। तो क्योंकि किसी पर भी छोटा से छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, टफ क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन को करना इजी ही होता है, इजी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इस पर विधान, जैसे कि मल्टी प्रोग्रामिंग से क्या मतलब हुआ,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कहाँ जहाँ भी नाम आया वो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर बता रहा है कि सेमीकंडक्टर से बनी हुई जितने भी, जैसे डायोड हो गया, रेजिस्टेंस भी सेमीकंडक्टर का होगा, कैपेसिटर भी सेमीकंडक्टर का ही होगा। कैसे होगा, वैरेक्टर डायोड पढ़े होगे तो उसमें उससे हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं मल्टीटास्किंग, एक साथ कई सारे काम को हैंडल कर सकता है माइक्रोप्रोसेसर, सिंगल माइक्रोप्रोसेसर एक साथ कई सारे टास्क को वो हैंडल कर सकता है, ठीक है। ये डिफिनेशन में आएगा। चौथा जो मेजर जो डिफरेंस करता है नॉर्मल आईसीज और माइक्रोप्रोसेसर आईसी में, वो ये है क्लॉक ड्रिवन। ये सारी जो प्रोसेसिंग होगी वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में होगी, मतलब किस टाइम एंड पर, किस टाइम के जो टाइम पीरियड हो, किस कितने टाइम पीरियड के बाद कौन सा टास्क हो जाना चाहिए वो उसको वो फॉलो करता है। मतलब जैसे कि तुम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट और सिक्वेंसल सर्किट पढ़े होगे, डिजिटल में नहीं है तो हम आगे और उसमें पूरा कर देंगे। कॉम्बिनेशन सर्किट और सिक्वेंसल में यही क्लॉक का ही डिफरेंस होता है। क्लॉक एक तरह से जिसे रिदम नहीं होता उस तरह से काम कराता है, कोई भी काम एक सर्टेन टाइम पर हो जाना चाहिए तो उसको ये गवर्न करता है, एक तरह से गवर्निंग बॉडी हो गई माइक्रोप्रोसेसर के लिए। तो क्लॉक ड्रिवन, क्लॉक से ही चलता, ड्रिवन क्लॉक ही इसको ड्राइव करता है। अब क्लॉक क्या है, क्लॉक स्क्वायर वेव हो सकती है, ठीक है, और भी कई तरह की वेव हो सकती हैं। तो ये डिसाइड करता है ड्यूटी साइकिल से। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, जैसे ये हमने लिया यहाँ पर स्क्वायर वेव लिया हुआ है, तो टी ऑन, ये जो ऑन है वन वन और नीचे वाला क्या है जीरो, वन स्टेज बाइनरी है ना, वन मतलब ऑन यानी कि 5 वोल्ट VCC और जीरो मतलब जीरो वोल्ट, तो टी ऑन हो गया और नीचे वाला हो गया टी ऑफ, और दोनों मिलकर के यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक गया वो क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड हो गया। तो ड्यूटी साइकिल क्या होगा, टी ऑन अपॉन टी टोटल मतलब जो ऑन टाइम है डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा ड्यूटी साइकिल डी। इसका फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, डी इक्वल्स टू टी ऑन अपॉन टी है ना इंटू 100, टी हो जाएगा हमारा ड्यूटी साइकिल। तो यहाँ पर ये टी ऑन इक्वल्स टू टी ऑफ है तो ये 50% ड्यूटी साइकिल होगा। 33% में क्या हो जाएगा, टी ऑन का जो टाइम है वो टोटल टाइम का 1/3 हो जाएगा 33%। तो ये वेरी करता है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है, यहाँ हमने लिया है। अब ये जो तीन तरीके की इसमें ट्रिगरिंग होती है, ट्रिगरिंग मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं कि ट्रिगर करना कि कब ये एक्टिवेट होगा, तो तीन तरीके से ये ऑर्डर कमांड देता है, तीन स्टेज में कमांड देता है, तीन तरीके से देता है, ठीक है। पहला स्टेज क्या है कि जब ये राइजिंग एज है, मतलब कि जब 0 से 1 जा रहा हो उस टाइम पर कमांड फॉलो होगा, उस टाइम पर ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, इस तरह से कह सकते हैं हम, ठीक है। जैसे ये पहला कमांड इस टाइम पर आएगा, दूसरा कमांड कैपिटल टी के बाद ही आएगा 0 से 1, क्योंकि ये देखो 1 से 0 हो रहा है, ये लाइन क्या है 1 से 0 हो रही, लेकिन ये 0 से 1, इसीलिए इसका क्या पड़ा राइजिंग एज ट्रिगर, राइजिंग एज पर ट्रिगर होगा, राइजिंग एज पर कमांड एग्जीक्यूट होगा। दूसरा क्या है फॉलिंग एज, 1 से 0 होने, जैसे देखो ये है 1 से 0 1 से 0 1 से 0, लेकिन ये वाला है ये क्या है, ये नहीं है 1 से 0 से 1 जा रहा है, तो ये फॉलिंग एज ट्रिगर होगा। जब ऐसा हो रहा है कि 1 से 0 जा रहा है तब कमांड एग्जीक्यूट होगा, तब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। और तीसरा क्या है लेवल एज ट्रिगर, कि मतलब जब वो क्लॉक जो है क्लॉक पल्सेस वो क्या है 1 स्टेज में बनी हुई है उस टाइम ड्यूरेशन पर ये ट्रिगर करेगा। तो इस पर भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं, ये भी नोट करने वाली बात है, ठीक है। अब आते हैं, ये सारे माइक्रोप्रोसेसर की डिफिनेशन चल रही है, इसके बाद है क्या इट, और इसके बाद है रजिस्टर बेस्ड मेन बात। इसमें क्या होते हैं रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर और रजिस्टेंस में अंतर है यहाँ पर। रजिस्टेंस तो इलेक्ट्रिकल में ये और रजिस्टेंस होता है, ये यहाँ इसकी बात नहीं कर रहा है। ये क्या है रजिस्टर है जो कि फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, 1 फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट, ठीक है। तो ये 8 है ना, इसमें 8 बिट है, 8 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, और इन 8 फ्लिप फ्लॉप के से कॉम्बिनेशन से बना 8 बिट रजिस्टर। 8 बिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट। तो इस तरह से हो जाएगा ये जो रजिस्टर है ये 8 बिट को स्टोर कर सकता है, और ये रजिस्टर बनते किससे हैं फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं। 8 बिट के रजिस्टर में कितने फ्लिप फ्लॉप होंगे, 8 फ्लिप फ्लॉप होंगे, 1 फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर एट मैक्सिमम 1 बिट, या तो 1 स्टोर कर सकता है या तो 0 स्टोर कर सकता है। इसलिए इस पूरे जो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज 8 बिट रजिस्टर। 8 बिट को ही कंबाइंडली क्या बोलते हैं हम लोग, बाइट बोलते हैं, जो कि मेमोरी का बेस है। आज
जो भी हम मेमोरी में बात करते हैं हमेशा कहते हैं कि कितने MB की मेमोरी है, कितने GB की मेमोरी है, कितने TB की मेमोरी है, यानी कि बी जो लेटर है वो लगा हुआ रहता है। बी का मतलब क्या हुआ? बाइट, 8 बिट। तो यानी कि अब देखो हमने मेमोरी का एक थोड़ा सा हल्का सा भी बता दिया है। जैसे आपकी मान लो कि मेमोरी है कोई छोटी सी, अब इसमें हमने हमारे पास कितने रजिस्टर्स हैं, पहला रजिस्टर जो है वो कितना है, 0 है, उसका एड्रेस हमने क्या दे दिया, 0th रजिस्टर, फर्स्ट रजिस्टर। इस तरह करते करते 1023 रजिस्टर्स हैं। 1023 ही क्यों लिया है, ये हम आगे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो जो पहला रजिस्टर है और जो आखिरी रजिस्टर, वो सारे कितने बिट के हैं, 8 बिट के, यानी कि सारे 8 फ्लिप फ्लॉप से बने हुए हैं। इसलिए ये 8 बिट के रजिस्टर का क्या है, ये एक्यूमुलेशन, एक के ऊपर एक रखा हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक अजम्पशन है कि इस तरह रजिस्टर का एक्यूमुलेशन है। एक्चुअली क्या है ये जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये मेमोरी का एक स्ट्रक्चर दिया गया है बस दिमाग में बैठाने के लिए। तो 8 बिट के एक रजिस्टर, इस तरह के 8 बिट के कितने हैं, 1023 रजिस्टर्स हैं। तो अब ये जो मेमोरी हो गई वो क्या बोल सकते हैं हम कि दिस मेमोरी इज 1024 × 8, है कि नहीं, क्योंकि 1024 रजिस्टर, 0 का अगर काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1024 रजिस्टर है, एंड ईच रजिस्टर कैन कंटेन एट मैक्सिमम 8 बिट। तो इसी को कंबाइंडली 1024 है ना, इसी को क्या बोला जाता है, 1K, 1000 है तो ये 1K हो जाएगा, इसी को 1K बोल देते हैं। और B क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 8 बिट है, इसलिए 1KB हो गया। ये जो मेमोरी है, छोटी सी मेमोरी कितने की हो गई, इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 1KB की हो गई। K का मतलब 1024, B का मतलब 8 बिट, 30 में ये हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर 1KB का मतलब हुआ, देयर आर नियरली 1000 रजिस्टर्स एंड ईच रजिस्टर हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 8 बिट। ये हो गया, ये मेमोरी की बात हो गई। तो इट माइक्रोप्रोसेसर इज रजिस्टर बेस्ड और फिर मेमोरी बेस्ड, रजिस्टर अलग हो गया, यहाँ पर मेमोरी में भी रजिस्टर होते हैं, इन मेमोरी के अलावा भी कई सारे रजिस्टर सेपरेटली माइक्रोप्रोसेसर में रहते हैं, हर माइक्रोप्रोसेसर में अलग अलग, क्योंकि जैसे कि डेटा को सेव करना है, एडिशन करना है, तो कुछ डेटा एक रजिस्टर में रहेगा, कुछ डेटा दूसरे में रहेगा, रिजल्ट आया वो कहाँ जाएगा, तो इस सब काम के लिए हम रजिस्टर अलग से रखते हैं। इसलिए रजिस्टर बेस्ड अलग हो गया, मेमोरी बेस्ड में मेमोरी हो गई, और मेमोरी में भी रजिस्टर होते हैं। इन रजिस्टर का यूज हम प्रोसेसिंग में नहीं कर सकते, इन रजिस्टर में जो रिजल्ट आया या जो डेटा है वो सेव होता है, या इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड इसमें सेव होता है। ठीक है, तो वहाँ से डेटा ले करके यहाँ पर रखेंगे, प्रोसेस करेंगे, रिजल्ट आया तो फिर यहीं पर सेव कर देंगे डिफरेंट एड्रेस, ये क्या हमारे एड्रेस, इस एड्रेस पर डिफरेंट एड्रेस सेव कर, ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं, ये तो हो गया, अब आगे आते हैं करता क्या है, इतना तो हो गया। बेस क्लॉक ड्रिवन डिफरेंस करता है ना, अब देखो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो क्लॉक है वही डिफरेंस क्रिएट करता है किसमें, नॉर्मल आईसी में और माइक्रो प्रोसेसर में। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर अब आ रहा है, इट रिसीव्स बाइनरी डेटा, कौन सा डेटा रिसीव करता है, ये नोट करने वाली बात है, बाइनरी डेटा को ही रिसीव करता है, एनालॉग डेटा को रिसीव नहीं करता। एनालॉग है तो एनालॉग A to D कन्वर्टर से हम बाइनरी में ले आएंगे तब वो इसका इनपुट होगा। रिसीव्स बाइनरी डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस से रिसीव करेगा, बाइनरी डेटा रिसीव करेगा, प्रोसेस इट, जो डेटा है उसके क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, अरिथमेटिक प्रोसेसिंग A और अल्फा लॉजिकल प्रोसेसिंग, इनमें से कोई एक हो सकता है, या स्पेशल टाइप की प्रोसेसिंग है, प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। एज इंस्ट्रक्शन गिवेन, जैसा कि इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। तो प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी बाइनरी फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, वो कहाँ जाएगा, आउटपुट डिवाइस में। तो ये हो गया हमारा जनरल डिफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब इसमें बहुत सारे नंबर आप क्वेश्चन इसमें पुटअप हो सकते हैं, इजी से इजी और टफ से टफ। मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, रजिस्टर्स क्या होते हैं, क्लॉक क्या होती है, ठीक है, और मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग वगैरह वगैरह, इसको क्लियर कर, नोट्स जरूर बनाए, बिना नोट्स के नहीं हो पाएगा, सिर्फ सुनने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुनने के बाद अच्छा लगेगा, ख़त्म, दूसरे दिन एक भी चीज़ याद नहीं रहेगी, नोट्स जरूरी है। सेकेंड, नेक्स्ट में आते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोप्रोसेसर। अब माइक्रोप्रोसेसर में होता क्या है, अभी तक डिफिनेशन थी, अब इसमें है क्या, बेसिक टर्म्स। सबसे पहला जो माइक्रोप्रोसेसर का जो कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन है, अगर हम एक बल्ब भी लेने जाएं तो उस बोलते हैं ना कि 100 वाट का बल्ब, या CFL होगा 20 वाट का बल्ब, है ना, जो भी है
उसका कोई स्पेसिफिकेशन, उसका कोई एक हम बहते कहते हैं कि ये क्या क्या इसका वर्किंग है, कितना इसकी कैपेसिटी है वगैरह वगैरह। तो ये माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड होता है इन डेटा बस से और एड्रेस बस से, और तीसरा टर्म आता है मेमोरी से। ठीक है, डेटा बस, एड्रेस बस और मेमोरी, और उसमें भी डेटा बस नंबर एक पर आता है। मतलब हम डेटा बस की स्ट्रेंथ अगर पता है तो वो सबसे पहले नंबर का स्पेसिफिकेशन हो गया। जैसे कि 8 बिट डेटा बस, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 8085 हमारा क्या है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 8086 क्या है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसको कहने का क्या मतलब हुआ, उसकी डेटा बस हमारी 8 बिट की है। 16 बिट का है तो क्या मतलब हुआ, उसकी डेटा बस 16 बिट की है। तो ये है, इसको भी आगे क्लियर करेंगे। अब डेटा बस क्या है, बस क्या पहले, तो बस ये है कि 1 और 0, यही तो हमारे पास इनपुट डेटा है ना, इसी पे प्रोसेसिंग होगी, यही रिजल्ट निकलेगा। मतलब सब कुछ जो हमारा जो रॉ मटेरियल हो गया वो बाइनरी डेटा है, 1 होगा या तो 0 होगा। ये 1 क्या है, 1 है हाई वोल्ट VCC, और 0 क्या है, लो वोल्ट 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये वोल्ट जो है ये किसी वायर से हो जाएगा ना, तो कई सारे वायर होंगे, तो जो बंच ऑफ वायर्स होंगे उन्हीं को क्या बोला जाता है, बस बोला जाता है। ठीक है, बंच ऑफ, एक वायर में या तो 1 जाएगा या तो 0 जाएगा, या तो हाई वोल्ट जाएगा तो लो वोल्ट जाएगा, और तीसरा नहीं जा सकता। यानी कि 1 वायर कैरी 1 बिट, या तो 1 एक टाइम पे या तो 0, यही है। तो जितने बिट की जरूरत होगी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन्स की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल वायर्स की जरूरत पड़ेगी। तो बंच ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स इज कॉल्ड एज बस। अब ये दो तरीके, तीन तरीके हो जाते हैं। पहला तो हो जाएगा डेटा बस, अगर ये जो वायर्स है इसमें डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा का ट्रांसफर हो रहा है ना, फ्रॉम मेमोरी टू CPU या फ्रॉम CPU टू मेमोरी। देखो जैसे यहाँ पर है, ये डेटा बस के थ्रू ही हो पाएगा। डेटा बस क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ध्यान रखो। क्या ये हमारा बाई डायरेक्शन, दोनों तरफ से टू वे कम्युनिकेशन है। डेटा रिजल्ट यहाँ आया CPU में, वो कहाँ जाएगा, मेमोरी में जाएगा। डेटा हमको मेमोरी से लेना है, यहाँ से मेमोरी से कहाँ जाएगा, CPU में जाएगा, और वापस अगर हमको सेव करना है तो मेमोरी में जाएगा। अदरवाइज जैसा भी प्रोसेसिंग होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब डेटा बस क्या होता है, बाई डायरेक्शन, इसको नोट कर लो, डेटा बस बाई डायरेक्शन होता है। और डेटा बस ही माइक्रो प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन कही जाती है, जितने बिट का डेटा बस होगा उतने ही बिट का प्रोसेसर कहा जाता है। अब तीसरा आते हैं एड्रेस बस। अब एड्रेस बस में एड्रेस नाम छुपा हुआ है, तो इससे पता चल रहा होगा कि ये ऐसा बस है, ऐसे बंच ऑफ वायर्स हैं जिसका यूज करके हम डेटा का एड्रेस फाइंड करते हैं, है कि नहीं। डेटा का, हमारा डेटा कहाँ पर सेव है, कहाँ पर डेटा को सेव करना है, दोनों में अंतर है। पहले से हमारा होगा फर्स्ट डेटा कहाँ पर सेव, मेमोरी में सेव होगा। मेमोरी में कहाँ पर, अभी हमने बताया था कि मेमोरी में कई सारे रजिस्टर्स होते हैं, एक रजिस्टर में एक ही डेटा होगा, तो रजिस्टर कहाँ है जहाँ हमारा डेटा है, तो उसका कुछ एड्रेस होना चाहिए। वो एड्रेस कौन बताएगा, एड्रेस बस बताएगा। ठीक है, और रिजल्ट आ गया, और डेटा रिजल्ट आ गया तो कहाँ सेव करना है, डेटा लेना है तो कहाँ से लेना, ये सारा जो भी होगा वो एड्रेस बस से होगा। एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, ये भी नोट करो, डेटा बस बाई डायरेक्शनल, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा एड्रेस बस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले लेते हैं कि मान लीजिए पिन कोड होता है ना, पिन कोड तो फर्स्ट लेटर बताता है स्टेट, फर्स्ट डिजिट है ना, जैसे 2 इस तरह से 2 हो गया UP का, इस तरह से। अब आगे के जो होता है 2 डिजिट वो सिटी बताता है, इस तरह करके बताता है। तो यही मान लो कि जो एड्रेस बस है वो क्या है, पिन कोड की तरह इसका वर्किंग होता है। हम स्टार्टिंग करते हैं, मान लो कि हमारे पास जो एड्रेस बस है वो उसमें 3 वायर हैं, यानी कि वो इट कैन कैरी 3 बिट। ये डेटा नहीं है, ये एड्रेस हो जाएगा, एड्रेस भी तो एड्रेस में भी तो बिट ही होगा। तो ये 3 बिट का हमने मान लिया कि एड्रेस बस है, 3 वायर है इसमें, A2, A1 और A0। तो इन 3 वायर में इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 000 से लेकर के 001, इस तरह करके 111 तक हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब इसका जो नंबर डेसिमल इक्विवेलेंट वो पता ही है तुम लोगों को, लिखा भी यहाँ पर है। तो इस तरह से 3 बिट की हेल्प से हमको कितने एड्रेस हम असाइन कर सकते हैं, कितने रजिस्टर का एड्रेस हम नॉमिनेट कर सकते हैं, 8 रजिस्टर, कितने 8,
ट्रैक कोड कितने हैं, 0 से लेकर 7 तक कितने होंगे, 8। 8 रजिस्टर के हम एड्रेस को हम अलाट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ 3 बिट। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा कि अगर 3 बिट का एड्रेस है तो वी कैन असाइन एट मैक्सिमम 2 to the power 3 नंबर ऑफ रजिस्टर फॉर द एड्रेस परपज। एड्रेस के लिए हम 8 रजिस्टर्स को हम 3 बिट की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस तरह से हम आगे इसी फार्मूले को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास एड्रेस बस में एक ही वायर है, एक ही बिट है, तो 2 to the power 1 एड्रेस बस में जितने बिट हो वो 2 to the power लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो उसमें दो रजिस्टर्स को हम एड्रेस दे सकते हैं, एक रजिस्टर को हम कह दें 0 और दूसरे वाले को कह दें 1, 0 और 1। अगर एड्रेस बस में 2 बिट हो गया तो 2 to the power 2 = 4, यानी वी कैन असाइन एट मैक्सिमम 4 रजिस्टर्स फॉर द एड्रेस परपज। कौन कौन से, उनका जो एड्रेस हो जाएगा क्या, 0 0 0 1 1 0 1 1। 3 बिट के लिए बता ही चुके हैं 3 बिट में क्या क्या हो सकता है। 4 बिट के लिए अगर 4 बिट एड्रेस होते हैं तो 2 to the power 4 कितना हो जाएगा, 16। ये यहाँ पर कम्बिनेशन है 0 0 0 से लेकर के 0 0 0 1 0 1 0 0 8 तक हो गया, फिर 1 0 0 9 9 हो गया। अब यहाँ से हेक्साडेसिमल का भी हो जाएगा 10 11 12 13 14 15। तो 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी और 14 को ई और 15 को एफ असाइन करेंगे। ये हेक्साडेसिमल कोड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 4 ये हो गया हमारा 4 बिट के लिए। 5 बिट के लिए अगर एड्रेस बस 5 बिट है तो 2 to the power 5 मतलब 32। अब 32 क्या मतलब समझ गए होंगे कि हम 32 एड्रेसेस यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, यानी कि 32 अगर रजिस्टर्स हैं तो हर रजिस्टर का हम एड्रेस हम 5 बिट की हेल्प से कर सकते हैं, फ्रॉम 0 0 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 1 1 तक, है कि नहीं, क्योंकि 5 बिट है ना। 6 में अगर 6 बिट का एड्रेस है 2 to the power 6 64। 7 है 2 to the power 7 128 आ जाएगा। 8 पर हो जाएगा 256, पावर बढ़ाते जाएंगे, फिर 2 512 और 10 बिट आ गया। ये इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली बात, अगर 10 बिट का एड्रेस बस है यानी कि 10 वायर्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 10 वायर्स की हेल्प से, 10 बिट्स की हेल्प से 1024, है कि नहीं 1024। यहीं से जो ही पिछले बताया था कि एक ऐसी 1 KB की जो मेमोरी होती है उसका जो एड्रेस होता है 0 से लेकर 1023 लिया गया है, इसीलिए इसको क्या किया गया 1K। अब देखो यहाँ पर 1K क्यों लिखा गया, अब ये समझ में कोई पूछ सकता है कि 1K ही क्यों लिया गया इसको, सीधे 1024 क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि इसके पहले 512 है, इसकी आगे बढ़ेंगे 11 करेंगे तो 1024 का डबल हो जाएगा 2048 हो जाएगा। तो आसपास अगर 1000 हमको लेना है सिर्फ सिर्फ यही मिल रहा है, इसीलिए 1K को ये अलाट कर दिया गया 1024। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं एड्रेस बस को, 10 बिट का एड्रेस बस है तो 2 to the power 10 नंबर ऑफ एलोकेशंस हो जाएंगे 1024, इसी को बोलते हैं 1K। और हर एलोकेशन पे अगर 8 बिट का रजिस्टर है तो मेमोरी साइज क्या हो जाएगी 1 KB। ध्यान देना 1 KB का मतलब 1000 रजिस्टर्स नहीं होंगे, कितने रजिस्टर्स होंगे 1024 रजिस्टर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि 1 KB में कितने रजिस्टर्स होंगे, तो उसमें ऑप्शन रहेंगे 1000 1024 रहेगा, 1023 रहेगा, है कि नहीं, क्या रहेगा 1024 रजिस्टर्स रहेंगे। अगर क्वेश्चन में आ गया कि उस रजिस्टर में जो मैक्सिमम एड्रेस होगा वो एड्रेस क्या 0 से लेकर 1023 तब होगा, लेकिन टोटल रजिस्टर कितने हो जाएंगे 1024, पिछली साइड देख सकते हैं इसके लिए। अब 11 हो गया एड्रेस बस, तो 2 into 2 to the power हमारा ये क्या है, हमने इसको बेस मान लिया है, इसको बेस मानने का रीज़न है क्योंकि जो पहला माइक्रोप्रोसेसर था उसका एड्रेस बस 10 था और उसकी मेमोरी 1 KB, तो वही से इसको रेफरेंस लिया जा रहा है। तो 2 into 2 to the power 10 तो 2048 हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे हम 2K, 1K का डबल हो गया। देखो यहाँ पे जो लिखा क्रॉस 2 कि मतलब एक बिट बढ़ने पर एड्रेस बस में सिर्फ सिर्फ एक बिट का इंक्रीमेंट हुआ तो मेमोरी हमारी क्या हो गई डबल हो गई, मेमोरी साइज क्या हो गया डबल हो गया, मतलब एक बिट बढ़ने से रजिस्टर्स जो पहले 1024 को हम असाइन कर सकते एक बिट बढ़ा दिया बस, कितने रजिस्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे डबल हो गए, ज़्यादा 12 कर दिया तो उसका भी डबल हो गया, यानी कि 2K का क्या हो जाएगा 4K 4096, यानी कि 4KB। फिर एक बढ़ा दिया, हम एड्रेस बस में एक एक बिट का ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं लेकिन मेमोरी
पिछली की डबल होती जा रही है, 4K का 8K और बाकी डिटेल दिया हुआ 8192, ठीक है। 14 का दिया तो 16K 16384 रजिस्टर हो जाएंगे। हाँ, अब और डबल कर दिया 15 का दिया 15 होएगा और 32768 हो गया। अब 16 कर दिया, सेकेंड जो हमारा टर्निंग पॉइंट है, मेजर पॉइंट 16 पर आ गया है, एड्रेस बस 16 बिट। तो इसके जो मेमोरी क्या हो जाएगी, एड्रेस नंबर ऑफ एलोकेशन 65536। अब देखो यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ पर 65000 आ गया है, यानी कि देयर आर 65536 रजिस्टर एंड ईच रजिस्टर हैविंग 8 बिट। तो मेमोरी तो होनी चाहिए 65KB की, है ना, दिख रहा है सामने, दिख रहा है कि 65 दिख रहा है, 65000 से ज़्यादा है, तो मेमोरी साइज तो 65KB बोली जानी चाहिए। लेकिन क्या बोला जाता है, 64KB, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। 64KB क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो हमारा जो ट्रेंड है, देख रहे हो 1, 2, 4KB, 8KB, तो यहाँ से यही फॉलो हो रहा है। तो 64KB अगर साइज बोली जा रही है, इसका मतलब ये कतई ही नहीं कि इसमें 64000 रजिस्टर्स हैं, या 64000 थोड़े ज़्यादा नहीं, रजिस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये याद कर लो, कितने होते हैं याद होना ही चाहिए। वहाँ पर 2 पावर 16 निकालने का तो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, है कि, और न तो निकाल पाओगे, किसी कीमत नहीं निकाल पाओगे, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये याद होना, डेटा 65536, ये जरूरी याद होना, 64KB ही इसको लिखे बोला जाएगा। अब बी क्यों लगा जाता, बता दिए हैं कि एक रजिस्टर में 8 बिट होते हैं, इसलिए। चलो अब 17, 18, 19 को स्किप कर रहे हैं, उसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। मेजर जो अगला तुम्हारा जो आएगा पॉइंट, वो 20 बिट का है, तो 2 पावर 20 ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं 1 मिलियन, तो 1 MB मेमोरी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ये हम पहला है 10 एड्रेस बेस, बस तो ये होता है 4004 माइक्रो प्रोसेसर के लिए होता है। दूसरा जो यहाँ पर स्टाफ हमने दिया है 16 बिट का, ये होता है 8085 का एड्रेस बस, 8085 का एड्रेस बस होता है 16 बिट और डेटा बस 8 बिट। एड्रेस बस यूनि डायरेक्शनल, डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। थर्ड जो दिया हुआ है ये है 8086 माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस बस 20 बिट का, तो इसकी मेमोरी बन जाएगी 1 MB। 8085 की मेमोरी हो जाएगी 64KB, 64KB बोलो या 65536 बी, है ना, इतने रजिस्टर्स होंगे तो बी लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी मेमोरी कौन कौन सा सही है, कौन सा, एक ऑप्शन में दो पेयर दे दे, यानी 64KB आपली ये दे दे 65536 बी, ये दोनों सही है, है? ये चीज़ है। 1 MB किसकी हो जाएगी मेमोरी, 8086 की हो जाएगी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, अब एड्रेस बस में जो बिट हो गया हमारा 21 हो गया, तो डबल हो जाएगी ना, हर एक इंक्रीमेंट पर मेमोरी डबल हो जाएगी। एड्रेस बस में एक बिट बढ़ा रहे हैं तो मेमोरी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 1 MB का क्या हो जाएगा, 2 MB। फिर 22 कर दिया तो 2 MB का क्या हो जाएगा, 4 MB हो गया। 23 कर दिया 4 का 8 24 16, इस तरह से। ये थोड़ा सा इसका एक नोट्स बनाना जरूरी है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, गेट में भी आए हैं इस तरह क्वेश्चन, सीधे बहुत ईजी मिलेगा कर दिया है कि अगर 21 है और उसमें हमने 2 बिट का इंक्रीमेंट किया तो मेमोरी साइज कितनी हो जाएगी, है कि नहीं, कितनी होगी, इस तरह करके क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखो हम यहाँ पर आ रहे हैं 64KB मेमोरी का एक थोड़ा आइडिया बता दे रहे हैं। तो 64KB है, तो 64KB में कितने रजिस्टर्स होंगे, 64000 रजिस्टर्स नहीं होंगे, कितने रजिस्टर्स होंगे, 65536 रजिस्टर। पहले रजिस्टर का एड्रेस हमने दिया है 0, तो आखिरी वाले क्या हो जाएगा, 65535, न कि 36, क्योंकि इसको ले करके 36 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एड्रेस है 0, पहले रजिस्टर का एड्रेस क्या होगा 0, दूसरे क्या होगा 1, 2, 3, 4, आखिरी क्या हो जाएगा 65535, ये डेसिमल में एड्रेस है। और हर एड्रेस पर एक रजिस्टर रखा हुआ है, वो रजिस्टर कितने बिट का, 8 बिट का, एक रजिस्टर में 8 बिट का है अगर, तो उसमें 8 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, इस तरह से। तो 64KB मेमोरी का जो जनरल स्ट्रक्चर वो इस तरह से होगा, यहाँ पर यह है इस तरह दिया गया, क्योंकि 65000 बनाने में बहुत ऊपर जाएगी, इसलिए ऐसा करा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यहाँ पर, इसी मेमोरी को थोड़ा और भी एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझने के। जो पहला एड्रेस हमारा, पहला जो रजिस्टर थे 8 बिट के हैं, ये इसका एड्रेस क्या दिया 0 है, कितने बिट का, 64KB किसका मेमोरी है, ये मेमोरी है 8085 की,
64 केवी मेमोरी होने के लिए एड्रेस बस कितने बिट का होना चाहिए? 16 बिट का होना चाहिए। पिछले स्लाइड में दिया गया है 16 फीट का अगर एड्रेस बस है तो मेमोरी कितनी आ जाएगी? 64 केवी। तो 16 बिट का एड्रेस बस यहाँ दिख रहा है। जो पहला है देखो, ये चार चार के चार पेयर हैं, मतलब चार ग्रुप हैं, 0000 इस तरह करके 16 है। यही एड्रेस बस, 16 एड्रेस बस है। हर जो 16 एड्रेस बस हैं, देर आर 16 इलेक्ट्रिकल लाइन्स एंड ईच लाइन कैन कैरी या तो 0 या 1। तो यहाँ पहला जो एड्रेस है 0 है, तो सारे जो लाइन होंगी, सारे बिट होंगे कितने होंगे? 0 हो जाएंगे। इन्हीं को हेक्साडेसिमल कोड में लिखा जाता है एड्रेस, है ना। माइक्रो प्रोसेसर में जो भी डेटा होता है वो हेक्सा में रहता है, एड्रेस भी हेक्सा में रहता है, 4 बिट का पैटर्न रहता है। 000 को 0 लिखेंगे इस तरह करके, 0000 H फॉर हेक्साडेसिमल, ठीक है। और ये किस में है? ये बाइनरी में, ये ध्यान देने वाली बात है। पहला जो उसके बाद 0 के बाद जो 1 एड्रेस है, क्या हो जाएगा आखिरी में? क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 0001H एग्जाम हो जाएगा। अब मान लेते हैं एक हमारा रजिस्टर है जिसका एड्रेस दिया गया 1234H है, ये डेसिमल का नहीं, ये 1234H। अब इसको एक्सपेंड करो बाइनरी में, तो 1 को क्या हो जाएगा? 0001, 2 को 0010, फिर तीसरा ग्रुप क्या हो जाएगा? 3 का 0011, और चौथा ग्रुप 0100 हो जाएगा। ये तो ये है हेक्सा में, ये है बाइनरी में। अब अगर हम पूछा जाए कि इसको डेसिमल में करिए, डेसिमल क्या होगा? तो डेसिमल का तरीका पता ही है, 8421 का आप लोगों को पता होगा, जो इसको जो प्लेस वैल्यू होती है 8421 अगर याद है, उसके बाद लेफ्ट साइड डबल करते जाओ, है ना। 1248 8421 हो गया चार बिट के लिए। इसके बाद इसका डबल इधर हो जाएगा, 8 का डबल 16 32, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 64, फिर 128, ठीक है, 32 64, फिर 128, फिर हो जाएगा 256, यहाँ पर आ जाएगा 512। इस तरह करते करते फिर ये हो जाएगा 1024 2048 फिर 4096। अब यहाँ पर करते क्या हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल वाली जो क्लास होगी उसमें ज़्यादा बता देंगे, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है वही चूज़ करेंगे जहाँ पर जिस प्लेस वैल्यू के सामने 1 लिखा है। तो जहाँ जहाँ 1 लिखा है उसको हमने कलेक्ट कर लिया है, जैसे यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 4096, ये लिख लिया है। उसके बाद 512 का वो लिख लिया है, उसके बाद 32 और 16 है वो भी हो गया, और कहाँ पर है? और है 1 4 पर है, मतलब 4 दिया तो 4 लिख दिया, जोड़ा कितना है 4663। जो रजिस्टर है इसका जो एड्रेस होगा डेसिमल में वो होगा ये 4660, हेक्सा में हो जाएगा 1234, बाइनरी में ये हो जाएगा। ये क्लियर करना है, बहुत ज़रूरी, इसको नोट कर लीजिए कैसे भी, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं इसी तरह से हो जाएगा एफ, जो मैक्सिमम 64 केबी का जो मैक्सिमम एड्रेस होगा वो क्या हो सकता? सारे बिट 1 हो जाएंगे, सारे बिट 1 कर दिया तो 1111 सारे करेंगे तो क्या ये 15 आएगा, है ना। 8 8 4 2 1, 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15, और 15 को क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं, इसलिए एफ 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 एच हो जाएगा हाईएस्ट एड्रेस। उसके नीचे क्या हो जाएगा? एफ 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 ई, फिर डी, फिर सी, इस तरह से 1 कैसे आ जाएगा ये। अब अगर इसको हम जो एफ 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 एच है इसको इसी मैनर में जैसे बताया है, इसके प्लेस वैल्यू को ध्यान रखते हुए जोड़ेंगे अगर हम, तो यही आएगा, क्या आएगा? 65535 आएगा, 35 36 नहीं आएगा, ठीक है, 65535 आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 इधर लिखा हुआ, 36 नहीं आएगा, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, जो फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर था वो अभी बता चुके हैं, 4004 था, वो डेटा बस उसका कितना था? 4 बिट, 4 है तो 4, 8 है तो 8, यहाँ पर 6 इसीलिए लगा दिया गया कि 16 बिट का डेटा बस हो गया। तो 4004 इसका डेटा बस कितना हो जाएगा? 4, एड्रेस बस 10, तो मेमोरी कितना हो जाएगा? 2 to the power 10, इसी को बोलते हैं 1 KB हो गई। इसका इन्वेंशन हुआ था 1971 में पहला माइक्रोप्रोसेसर आया था। उसके बाद और भी इससे इम्प्रूवमेंट में कई सारे और आए, 8008 आया, और भी कई सारे हैं, लेकिन जो हमको जो पढ़ने वाली बात है वो 8085 है और 8086 है, तो उसी को ध्यान रखते हैं बस। तो 8085 का डेटा बस 8, एड्रेस बस 16, मेमोरी साइज क्या हो जाएगी? 2 to the power 16, 64 KB। बी इसलिए आया कि हर रजिस्टर 8 बिट के, ध्यान रखना,
और इसका इन्वेंशन हुआ था 1976, देखो 5 साल के अंदर, जो आज भी ये प्रोसेसर पढ़ाया जाता है लेबोरेटरी में, इसका एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। ये कब का इन्वेंटेड है, 1976 का है, जबकि आज के टाइम पर i10 के ऊपर भी आ गया है, वही प्रोसेसर ही है, एडवांस प्रोसेसर, ठीक है। 1976 में आया था 5 साल के बाद। अब क्योंकि ये ऐसा प्रोसेसर है जो बेसिक बताता है, चाहे जितना एडवांस प्रोसेसर पढ़ना हो तो भी इसको पढ़ाया जाता है, इसीलिए। इसके बाद आया 1978 में 16 बिट का प्रोसेसर आ गया, और उसका नाम रखा गया 8086। 16 बिट का प्रोसेसर है, इसकी एड्रेस बस 20 बिट का, मेमोरी 2 to the power 20 यानी कि 1 MB मेमोरी हो गई। ऑपरेशन, अब माइक्रोप्रोसेसर करता क्या, बेसिक काम क्या करता है, डेटा को रीड करता है। अब डेटा की रीडिंग या तो इनपुट डिवाइस से हो सकती है, कीबोर्ड से, या तो मेमोरी से फ्रॉम मेमोरी या फ्रॉम इनपुट डिवाइस रीडिंग होती है, ध्यान रखो ना, फ्रॉम मेमोरी या फ्रॉम इनपुट डिवाइस से क्या होता है, रीड हो सकता है। और दूसरा क्या करेगा, जो रीड डेटा हो गया उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा एज गिवेन इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोसेसिंग करेगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को फिर प्लेस करेगा, या तो आउटपुट डिवाइस में करेगा या तो मेमोरी में राइट करेगा। तो टू दी आउटपुट या टू दी मेमोरी क्या होता है, उस ऑपरेशन क्या बोलते हैं, राइट। फ्रॉम इनपुट, फ्रॉम मेमोरी रीड, टू आउटपुट, टू मेमोरी राइट, ठीक है। डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर किससे होगा, डेटा बस से होगा। डेटा बस क्या होता है, बाई डायरेक्शन होता है, ठीक है। एड्रेस एलोकेशन किसके थ्रू होता है, यूनी डायरेक्शन एड्रेस बस के थ्रू होता है। एड्रेस कैसे असाइन करा जाता है, किसकी हेल्प से, एड्रेस बस की हेल्प से करा जाता है, वो होता है यूनी डायरेक्शन। एक एक स्लाइड कम से कम 2500 क्वेश्चन लिए बैठा है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन अब्लिक कंट्रोल। अब जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग में क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, क्या करना है, वो कहाँ से आएगा, कंट्रोल बस से आएगा, है ना, उसको कमांडली बोलते हैं कंट्रोल बस। कंट्रोल बस में भी कई सारे होते हैं इंस्ट्रक्शंस, कई सारे सिग्नल्स होते हैं, उस पर कुछ सिग्नल दिया है, RD बार WR बार IU अब्लिक MBAR ALE। RD बार रीड के लिए होता है, WR राइट के लिए। ये इनपुट डिवाइस सेलेक्ट है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट है कि मेमोरी सेलेक्ट है। एड्रेस लैच इनेबल है ALE, इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाएँ। ज़्यादा अगर शेयर होगा, ज़्यादा लाइक होगा, सब्सक्राइब होगा, कमेंट्स होंगे ज़्यादा, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि जिससे हमको भी लगेगा नहीं, अब जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो एक्चुअली इन्वॉल्व हैं इसमें, तो उनके लिए भी हम भी मेहनत करें, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे तब जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे। तो ये हम चाहते हैं कि आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है।